So hey guys, welcome to my vlog. Hey guys, what's up everyone? It's a boy Dinesh. So guys, आप लोग ये vlog में देख सकते हैं, हम लोग आए हैं सिमराउंगढ़ में. So guys, ये vlog में आए हैं और खूब मजा हो रहा है vlog में, और थोड़ा boring भी हो रहा है. और ये हटो हटो इधर से. So guys, देखते रहिए मेरे vlog में, हम लोग आगे दिखाते रहेंगे. और चलते चलिए सब. मैं अभी आया हूँ कॉलेज में, और गाइस ये मेरा कॉलेज है, देखिए यहीं पर मैं पढ़ता हूँ, यही मेरा कॉलेज है. प्लस टू के लिए MBA सब मास्टर डिग्री यहीं पर होता है, और ये बहुत अच्छा कॉलेज है गाइस, देखिए ये बहुत सुंदर है. अभी शांत है, अभी कोई नहीं आया है, अभी मैं फर्स्ट में लग रहा है. तो गाइस देखते रहिए, तो गाइस देखते रहिए ये ब्लॉग में. ये BPC है बीरगंज में, ये पानी टंकी के पास. देखिए गाइस यहाँ है एक मंदिर, यहीं पर दर्शन करते हैं और स्कूल में घुसते हैं कॉलेज में. सो गाइस इधर से भी रास्ता है, और इधर से भी लोग आ सकते हैं, और इधर से भी रास्ता है, और इधर से भी रास्ता है, और इधर से भी है इसके पास है. मैं अभी चल रहा हूँ कॉलेज के भीतर, गाइस देखते रहिए मेरे ब्लॉग में. देखिए ये मेरा कॉलेज है, और कॉलेज के भीतर जा रहा हूँ गाइस. देखिए गाइस ये यही मेरा कॉलेज है गाइस, यहाँ पर इधर से पानी पीते हैं कभी कभी, और क्या बोलते हैं, अब चलते हैं इधर, इधर से गेट मिलेंगे और इधर से जाते हैं ऊपर से. अभी जा रहे हैं छत पे, और ये पीछे वाला रास्ता है गाइस, देखते रहिए मैं जा रहा हूँ. चलिए गाइस देखते हैं, अभी छत पे जा रहे हैं गाइस, पीछे वाला रास्ता है कॉलेज के. गाइस अब क्लास में आ चुके हैं, क्लास के बाहर है, और हम दिखाते हैं हम लोग कहाँ पढ़ते हैं. देखिए ये तो ऊपर आ गया हूँ, मेरा सेक्शन नीचे ही है. चलो अभी चलते हैं अभी ऊपर. गाइस अभी छत पे आ चुके हैं. सो गाइस ये हमारा कैंटीन है, और इसी पर बैठ के हम लोग खाते हैं टिफिन के, टिफिन में इसी टाइम में इधर बैठ के खाते हैं, और बहुत अच्छा है. एक प्लस जो मुझे यही है मेरा कैंटीन, अभी कपड़ा लगा हुआ है, लग रहा है बन रहा है, देखते रहिए गाइस. तो गाइस ये यही है फ्लोर, और टिफिन के वक्त इधर ही आके बैठते हैं, क्योंकि काम लगता है ठंडी में ही इधर ही रहते हैं, कश्मीर पता नहीं बीरगंज, ये सब गहरा वगैरह देखते रहिए. और अभी मैं वो बिल्डिंग के ऊपर यानी कि इसके ऊपर देखते रहिए गाइस मेरा ब्लॉग में. ये बीरगंज है. सो गाइस इसी पर यही है हमारा कॉलेज का सबसे ऊपर फ्लोर, पर देखिए गाइस कितना बड़ा बिल्डिंग है ना गाइस. देखिए इधर ही फ्लोर है, इधर ही बाइक वाइक लगता है, लेकिन आज एक भी नहीं लगा है, क्योंकि सैटरडे आज. ये मंदिर है, आप लोग को दिखाया था. गाइस नीचे मैं अपना सेक्शन दिखाता हूँ आप लोग को, खुला तो नहीं फिर भी दिखा रहा हूँ. ये गाइस अभी नीचे ही जा रहा हूँ, ये फर्स्ट फ्लोर पे है, और फर्स्ट फ्लोर पे मेरा. सो गाइस मैं अपने सेक्शन के पास आ गया हूँ, अभी इधर खड़ा ले मेरा सेक्शन है, यही मेरा सेक्शन है, और ताला बंद है, नहीं तो दिखा देता आप लोगों को. ये गाइस अभी अंडा फ्राई हो रहा है, और हम टूर के लिए रेडी है, और ये दाई कर रहे हैं, और मेरा ब्लॉग में जुड़ सकते हैं दाई आप भी. ये जावन भाई है अभी डिप्रेशन में है, क्योंकि बुलाए थे 8 बजे और आ गए 9 बजे. गाइस अभी बस आ चुका है, और
बस में चढ़ेंगे और अभी अटेंडेंस हो रहा है इधर, गाइस यही बस में जा रहे हैं, देखते रहिए ब्लॉग में। यही ब्लॉग बस है, मिनी बस है लग रहा है, और इसी में जाएंगे, दाई हाँकेंगे, अरे यही दाई ले जाएंगे हम लोगों को उधर, देखते रहिए। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? सिमराउंगढ़, मुझे पता नहीं है, देखते रहिए। गाइस इधर अटेंडेंस हो रहा है, देखते रहिए। गाइस हम बस में बैठ चुके हैं और मेरा दोस्त है, देखिए, और हम जा रहे हैं सिमराउंगढ़ के लिए, देखते रहिए। मेरा ब्लॉग जरूर देखिए, बैठ गए आप निकलेगा थोड़ा देर में बस। गाइस बस निकल चुका है और हम जा रहे हैं, आप देखते रहिए। ये पानी टंकी में है अभी। गाइस इधर ही सिकवा मिलता है, सिकवा फ्राई, देखते रहिए। ये फिर गज के नाम जा रहा है, जा रहा है सबराह के लिए। सिमराउंगढ़ और हम लोग जा रहे हैं भीतर, और देखते रहिए ब्लॉग में। अभी हम लोग सिमराउंगढ़ में आ चुके हैं, देखिए, देखते रहिए। और ये गेट के पास से जाएंगे, देखिए इसी के भीतर जाएंगे। तो गाइस देखते रहिए मेरे ब्लॉग में, गाइस चलते हैं भीतर और देखते रहिए मेरा ब्लॉग को। थोड़ा गाँव सा एरिया है लेकिन ऐतिहासिक जगह है, देखते रहिए गाइस कितना जगह। जगह के बारे में कुछ था था देखते रहिए गाइस। अभी हम लोग इधर है, देखिए, और सब इधर है और फोटो लेने के लिए अरेंज कर रहे हैं सब लोग, देखिए गाइस। जा रहे हैं भीतर गाइस, अभी मंदिर के पास आ चुके हैं और दिखाते हैं आप लोगों को अगाड़ी, और दोस्त अब उधर है, देखते रहिए। ये मंदिर बड़ा है ना, देखिए गाइस ये मंदिर के लिए राउंड मार रहा हूँ, देखते रहिए एकदम से धान वाला दिखने वाला है, देखते रहिए। सो गाइस मैं अभी राउंड मार रहा हूँ अकेले ही, देखते हैं कैसे है, देखते रहिए गाइस। देखिए सिमराउंगढ़ का मंदिर इधर ही है, अभी वो आ रहे हैं, देखते रहिए। सो गाइस इधर घंटी है, इधर ही आ रहे हैं। सो गाइस मैं दिखाता हूँ मंदिर का, इधर से ही आएंगे हम लोग, देखिए गाइस, और मंदिर के भीतर है, और यहाँ मंदिर है, देखते रहिए गाइस। गाइस इधर है सब लोग, देखते रहिए, और इधर से भी आ सकते हैं उनके, और ये बाबा ज्ञान सिखा रहे हैं, देखते रहिए। यहाँ ये सब रिसर्च हो रहा है, सब मंदिर में जा रहे हैं गाइस, देखिए देखने जा रहे हैं, रिसर्च करने जा रहे हैं क्या क्या करेंगे, यह ऐतिहासिक जगह है ना इसीलिए। देखिए गाइस ये डिफरेंट कर रहे हैं कुछ, अभी तक बाबा से कुछ पूछ रहे हैं गाइस, देखते रहिए ब्लॉग में। गाइस ये मंदिर के ऊपर हैं, देखते रहिए, देखिए हमें ऊपर, और यहाँ रिसर्च वाला काम हो रहा है और सर पर आ रहे हैं, देखते रहिए। इधर ये लोग भी है, इधर भी है, देखते रहिए।
ये बहुत अच्छा लग रहा था इसीलिए मैं ब्लॉग में ले चुका हूँ। देखिए फूल आ रहा थे इसीलिए मैं इसको कैप्चर कर रहा हूँ गाइस। देखते हैं निकल चुके हैं गाइस, पछाड़ी है मंदिर की पछाड़ी है तो आप लोग दिखाते हैं जैसे ये पोखरी है इधर और इधर ये दिख रहे हैं ना पछाड़ी। सो गाइस चलिए आ गए, पछाड़ी वाला दिख रहा है नहीं जाऊँगा क्योंकि हमें अकेले नहीं आए हैं, टीचर के साथ आए हैं, टीचर बोल देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा इसीलिए मैं ऐसा नहीं जाऊँगा। देखिए गाइस क्या जगह है, गाइस अभी फोटो शूट हो रहा है देखते रहिए। ओके गाइस कैसे रिसर्च हो रहा है इधर और मैम भी यहाँ फोटो ले रही है, हमारा मैम प्रिया मैम, मैम का नाम क्या हो रहा है भाई, ये मैम का नाम क्या हुआ। सो गाइस ये मैम का नाम रीना है और कितना अच्छा से अध्ययन कर रही है इधर आके, एक टीचर के कर्तव्य निभा रही है। तो गाइस देखते रहिए, देखिए इनार ऐतिहासिक इनार और सब जा रहे हैं इधर जाएंगे। देखिए गाइस ये कितना अच्छा ट्री है, एकदम से ऐतिहासिक ट्रिप लग रहा है, 100 साल का पुराना लग रहा है। सब जा रहे हैं और मैं भी जा रहा हूँ। सो गाइस मैं अपने दोस्त से पूछ रहा हूँ ये मंदिर के भीतर क्या क्या सीखा है, जैसे तुम क्या क्या सीखे हो बता सकते हो। मंदिर के मतलब भीतर में बहुत है, हमको नेपाल का बहुत प्राचीन समय का मंदिर सब है। हाँ मंदिर का पसंद आता कौन थे, सेवाई सिंह। हाँ तो देखते रहिए ग्राउंड है। हाँ नेपाल का मेन का राजधानी यहीं पर थी। हाँ वो नांदेव राजा ने 1054 वर्ष था वो उबेरा। हाँ तो वो पराजित करके यहाँ से वो काठमांडू गया। हाँ सारो। तो गाइस चलिए हम अगाड़ी अब चलते हैं दूसरे जगह पर। देखिए ये ड्राइवर साहब बोल रहे हैं चला ना। तो गाइस देखिए आपको कैसा फील हुआ इधर घूम के, आपको कैसा फील हुआ इधर घूम के, आप क्यों नहीं बता सकते, आपको आपको तो जरूर बताना पड़ेगा, मेरे ब्लॉग में आए हैं आप ऐसा बोलेंगे फिर ब्लॉग में क्या, ब्लॉग तो बिगाड़ रही है अच्छा काम नहीं हो रहा है। आप बताइए आपके मतलब कैसा फील हुआ इधर आके, कचरा लग रहा है? नहीं नहीं ठीक है लग रहा है, हम लोग तो फर्स्ट टाइम है, आप लोग को अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन हम लोग का अच्छा है। आप लोग को उम्र भी ज़्यादा हो चुका है, आप लोग घूम चुके होंगे ठीक है। ओके ठीक है गाइस अभी हम बस में बैठ चुके हैं और बहुत गर्मी हो रहा है, सर काउंट कर रहे हैं कितने जन आए हैं और कितने जन आए हैं, देखते रहिए मेरे ब्लॉग में। चश्मा लगाइए गाइस अभी ये मंदिर में आए हैं, ये दूसरा मंदिर है उधर से घूम के आए हैं। देखिए गाइस ये है और दोस्त सब उधर है अपने नाश्ता ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। सो गाइस चलिए और भीतर जाते हैं और दोस्त लोग आ रहे हैं। देखिए गाइस ये दोस्त लोग पूजा पाठ करके आ गए हैं। काली माई गाइस कैसा फील हो रहा है तुझे किधर आके? बहुत एकदम शांत फील हो रहा है हम। हाँ यहाँ पर आए, काली माई का मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। हाँ उधर दिखाइए तो पोखरा है वो। हाँ चलिए पोखरा और घूमने चलते हैं, आइए आप भी आइए भाई, आप भी आइए ना। क्यों शर्मा आ रहे हैं, हमारे स्कूल के हैं। मंदिर है
हाँ बताइए पीपल का पौधे वहाँ पर भी शिला लेख पर लिखा हुआ है। हाँ साड़ी उधर दिखा दीजिए। हाँ वो ये वो शिला लेखा क्या बोलते रे छोटा मैं छोटा है देख लीजिए। तो गाइस ये छोटा वाला पत्थर है वो इसी किसी मंदिर के नाम से हाँ वहाँ पर विद्यालय है कालीमाई विद्यालय है। हाँ ठीक है। और ये पोखरा बहुत पुराना पोखरा है देखिए सब अब कंस्ट्रक्शन हो रहा है सर चारों तरफ से और इसमें उधर पटिंग आ रहा है। और बोलिए चौरसा गाइस ये देखिए पोखरी ब्यूटीफुल है इसी में चावल जलाया था और इसी नाम से आज जानते हैं लोग बोलते हैं कि इसमें से अभी भी निकलता है वो चावल जब युद्ध हुआ था। गाइस ये यही मिला है ब्रेकफास्ट में 350 का और नाश्ता का टंच एक रसभरी था रसभरी ले लिए हैं ये भी चाप रहे हैं वो भी चाप रहे हैं राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा खेरि मैं बोलता हूँ ये बकवास जगह लग रहा है कि खेत बारी में घूम रहे हैं मेरा नहीं खेत बारी बोलो हिंदी में बोलो लोग देख रहे जा रहा है हिंदी इंटरनेशनल है ना वहाँ पर क्या है तो चावल मतलब हुआ था ना चावल जब चढ़ गया तो पथल हो गया है तो हम देखने जा रहे हैं वहाँ पर मुझे तो बोर लग रहा है पता नहीं इन लोगों को क्या लग रहा है देखिए इतने सारे आए हैं मुझे तो बोर लग रहा है यहाँ बीपीसी का पूरा ग्रुप यहाँ पर आया है बाबा यहाँ पर साइकिल लेके जा रहा है बाबा हाल खबर पूछ रहा है कैसा है आपका पोखरा वहाँ पर बहुत बार का पोखरा है वो भी बहुत खाल है वहाँ पर बहुत खाल है अभी डूबो ना कहाँ खाल है यही पोखरा है यही पोखरा का बोल रहा है हाँ यही पोखरा है यही पहाड़ जैसा पहाड़ का लग रहा है पहाड़े है दिख रहा है नेपाल सब ऐतिहासिक चीज है यहाँ पर वो जाएगा तो सुना तो नहीं मिलेगा वहाँ पर आगे यार कुछ नहीं मिलेगा इधर भाई बहुत क्या बोला गाइस देखिए बकरी चल रहा है हटो जितना अच्छा से बकरी इधर चल रहा है देखो बकरी तो गाइस अभी एक बात हूँ सबसे देखिए ये ब्लॉग में देखते रहिए मेरा दोस्त उधर है और सब रुके हुए हैं गाइस देखते रहिए गाइस आप लोग के यार क्या क्या सोच के आया था कि ब्लॉग में ऐसा होगा ऐसा जगह होगा लेकिन सोचा अनुसार कुछ नहीं है गाइस उधर पर सर गए हैं फोटो ले रहे थे राजनी सर तो ये राजनी सर उन्होंने सो गाइस सर आपको कैसा फील हो रहा है यहाँ पर खुदाई हो रहा है जले हुआ चाउर के सिमराउंगढ़ में आप लोग के बोरे से ही खोद रहे हैं और निकाल रहे हैं देखिए और सब ये रिसर्च में लगे हुए हैं ये तो साइंस के स्टूडेंट नहीं है फिर भी मैनेजमेंट के स्टूडेंट है रिसर्च में कोई कमी नहीं है मैनेजमेंट के स्टूडेंट भी यहाँ रिसर्च में सब लगे हुए हैं साइंस के भी नहीं होते हुए देखते रहिए ब्लॉग में गाइस उधर गेहूं का खेत है गेहूं मसूरी का ये पूरा खेत ही खेत है वो भी आ रहा है यहाँ हम लोग आ रहे हैं थोड़ा ध्यान तापने वो भी आराम ही करने आ रहे हैं देखिए ना मसूरी का खेत है मसूर का मसूरी का मसूरी का खेत है इधर सब जा रहा हुआ है हिरना मैम सहयोग कर रही है ये बच्चे लोग के बहुत सुंदर है गाइस अब हम लोग जा रहे हैं घर दिनेश के लिए निकल रहे हैं अभी घड़ी में रुकेंगे देखते रहिए गाइस बस में ही बैठ चुके हैं गाइस हम लोग घड़ी में नहीं जा सकते इधर ही घड़ी में और सर नहीं ले रहे देखिए इधर ही मौका नहीं मिला जाने के लिए तो गाइस हम लोग अब लोग नहीं जगह आ सकते घड़ी में मंदिर फिर कभी आएंगे आएंगे Bye-bye.
आज के ब्लॉग में लगता है इतना ही और बीपीसी मार का करेंगे। देखिए गाइस, देखिए चलाई, देखिए चलाई कैसे चल रहा है। देखिए ताला बुढ़े जैसे चल रहा है। देखिए देखिए बुढ़े जैसे चल रहा है। सो गाइज, आज के ब्लॉग में इतना ही और मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। तब तक के लिए मेरा ब्लॉग को लाइक और सब्सक्राइब और मेरे ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आई होप एवरीवन विल लाइक टू माय ब्लॉग। सो थैंक यू फॉर टुडे एंड मिलते हैं दूसरे ब्लॉग के। तब तक के लिए।